हम साधना में फेल क्यों होते हैं? आप चार चार घंटे साधना में बैठते हो, मुझे बहुत से प्रश्न आए, दान पुण्य बहुत करते हो, कोई व्रत नहीं छोड़ते हो, फिर भी आप सक्सेस नहीं हो पाते हो। आप टटोलना अपने मन को, कभी आप शक्तिशाली पावरफुल इसीलिए बनना चाहते हो कि मैं पावरफुल हूंगा, शक्तिशाली हूंगा, तो इन दोनों आदमियों को तो सबक सिखाऊंगा, इनको देखूंगा मैं, मेरी जिंदगी का मकसद है कि इनको कैसे डाउन करना। एक दूसरा व्यक्ति है, वो सोचता है मुझे जीवन में सक्सेस होना और मुझे और भी बहुत से लोगों को ऊपर उठाना, जो जो लोग भी जुड़े हैं सब ऊपर उठें, मैं अपने जीवन का उनको तजर्बा बताऊंगा। साधना केवल माला पकड़ने का नाम नहीं है, सत्संग सुनते रहो, कथा करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, जब तक आप अंतर से नहीं जुड़ोगे ना, तब तक आपकी साधना सफल नहीं हो सकती है। दूसरी बात, बार बार जैसे कहता हूं कि सबको माफ कर देना, किसी के लिए मन में द्वेष भाव नहीं रखना, वो जैसे जैसे आप साधना करोगे द्वेष भाव बढ़ेगा, आगे जाओगे भटक जाओगे, फिर वापस आओगे, आपके पूरे साधना के साल ट्रेडमिल की तरह हो जाएंगे, करते रहे फिर फेल हो गए। जब तक जहां से माफी नहीं मांगोगे, माफ नहीं करोगे, आप अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो भक्ति के, अच्छे ड्रामा करने वाले हो सकते हो, अच्छे गायक हो सकते हो, पर आप साधक नहीं हो सकते, भक्त नहीं हो सकते आप। बहुत कड़वी बात है। अगर सच में साधक बनना है तो फिर सबको क्षमा करना, सबसे क्षमा मांगना, और एक बात और साथ में जोड़ देना, जब भी किसी की निंदा होने लगे वहां से दूर हट जाना। पहली बात तो जवाब दे देना, हाथ जोड़ देना, नहीं तो पीछे हट जाना।